हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय सुपरवेज। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप आपके सफ़ेद बालों को नेचुरली काला बना सकते हैं। हाउ टू कवर योर वाइट और ग्रे हेयर टू ब्लैक नेचुरली। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हेना ली है। ये इस चम्मच से मैंने 3 से 4 चम्मच हेना ली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आयरन वेसल लिया है जो कि मैं हमेशा लेती हूँ। ये है चाय पत्ती का पानी, दैट इज़ टी वाटर। तो जितना भी लगेगा उसके हिसाब से आपको इसमें डालना है, इतना सारा नहीं लगेगा। हमेशा आप जैसे हेना पेस्ट बनाते हो उसी हिसाब से आपको इस यहाँ पे भी हेना पेस्ट बनानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना रही हूँ। और आप चाहे तो आप नॉर्मली जो भी हेना पेस्ट बनाते समय उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने बस चाय पत्ती का पानी डाला है क्योंकि इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी ये पेस्ट बन के तैयार है और यहाँ पर मैं इसको रैप करूँगी और इसको ओवरनाइट रखूँगी। नॉर्मली हम जैसे हेना पेस्ट ओवरनाइट रखते हैं उसी तरीके से इसको भी हमें ओवरनाइट रखना है। सो इसको मैं रैप करके ओवरनाइट रखूँगी। और अब यहाँ पे मैं और एक इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाली हूँ जो कि बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, जो है इंडिगो पाउडर। सो एक इंडिगो प्लांट होता है, उससे ये इंडिगो पाउडर बनती है। सो बालों को इंडिगो तो कलर नहीं मिलेगा क्योंकि हम इसमें हेना मिक्स कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक कांच का बर्तन लिया है और यहाँ पे इंडिगो पाउडर भी मैंने 3 से 4 चम्मच ली है। सो आपको इसमें जो पानी डालना है वो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। गुनगुना मतलब ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। तो ल्यूक वार्म वाटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे इस पाउडर में डाल के इसका भी एक पेस्ट बना लेंगे। जैसे ही हमने हेना का पेस्ट बनाया था उसी टाइप से इसका भी हमें पेस्ट बनाना है। तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं। इसकी पेस्ट बनाने के लिए आप कांच का या प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करें। सो इंडिगो प्लांट से इंडिगो पाउडर बनती है। सो ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है और ये बहुत ही सेफ़ है आपके बालों के लिए। तो इससे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये पेस्ट बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर उसकी गुठलियाँ नहीं होती पेस्ट में। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। जैसे ही हमने हेना की पेस्ट बनाई है और बालों पर हम जिससे बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे उसी तरीके से मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। यहाँ पे आपको इंडिगो पाउडर का जो हमने पेस्ट बनाया है वो आपको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही साइड में रखना है और उसके बाद जो भी हमने हेना पेस्ट बनाई थी और ओवरनाइट रखी थी वो हेना पेस्ट इस इंडिगो पेस्ट में आपको मिक्स करनी है। सो इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स करा है और आप इसका रेशो 1:1 ले सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस मत कीजिए क्योंकि हमें दोनों कलर से मिक्स जो कलर मिलेगा उसे ही हमारे हेयर ब्लैक हो जाएंगे। सो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको इसका रेशो 1:1 लेना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और ये मिक्स होने के बाद आपको ये बालों पे लगाना है। बालों पे लगाने के बाद आपको ये मिनिमम 2 से 2.5 घंटे रखना है और उसके बाद नॉर्मली आप जैसे हेयर वॉश ऑफ करते हैं उसी तरीके से विदाउट शैम्पू आपको हेयर वॉश करने हैं और फिर रात में ऑयलिंग करके दूसरे दिन शैम्पू से आप हेयर वॉश ऑफ कर सकते हैं। तो आपको इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपके जो भी वाइट और ग्रे हेयर है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे और आपको अच्छे नेचुरली ब्लैक हेयर मिल जाएंगे। इंडिगो पाउडर अप्लाई करने के और भी 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन ये वाली मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सो आप ज़रूर ये घर पे ट्राई कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।